मिथुन चक्रवर्ती को लेकर रजनीकांत ने अब एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल उन्होंने अमिताभ बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती को लेकर एक फिल्म के बारे में एक किस्सा साझा किया और उस किस्से में जो खुलासा किया उसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल यह खुलासा रजनीकांत ने उनकी आई फिल्म अंधा कानून को लेकर बताया। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन ने हाल ही में फिल्म वेट्टयान में साथ काम किया। इस एक्शन ड्रामा में दिग्गज जोड़ी एक साथ नजर आई। 1991 के बाद अमिताभ बच्चन और रजनीकांत एक साथ काम किए। रजनीकांत ने खुलासा किया था कि कैसे श्री अमिताभ बच्चन ने 1983 में फिल्म अंधा कानून से बॉलीवुड में उनकी शुरुआत करने में उनकी मदद की थी। रजनीकांत ने यह भी बताया कि फिल्म निर्माता इससे पहले इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती को कास्ट करने की बात कर रहे थे और उन पर विचार कर रहे थे। इसके अलावा उसी सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन की प्रशंसा की और उनके अनुशासन के बारे में भी बात की। वेट्टयान के ऑडियो लॉन्च इवेंट में रजनीकांत और अमिताभ बच्चन एक साथ नजर आए थे और यहीं पर इन्होंने इन बातों का जिक्र किया। रजनीकांत ने कहा, मुझे सत्ताम ओरी इरुतराई की रीमेक अमिताभ जी की वजह से मिली थी जिसका नाम अंधा कानून है। अंधा कानून में काम करने का मौका मिला अमिताभ बच्चन जी की वजह से और इसमें पहले मिथुन चक्रवर्ती को कास्ट किया जाना था और अमित जी ने मेरा नाम इस फिल्म के लिए सुझाया और वादा किया कि अगर ये मुझे कास्ट करते हैं तो मैं अतिथि भूमिका करूंगा। इसी तरह मुझे वह भूमिका मिली। फिर हमने फिल्म गिरफ्तार में भी साथ काम किया जिसमें एक मैंने कैमियो भी निभाया था। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि रजनीकांत की जो फिल्म आपने देखी होगी अंधा कानून, इसमें मिथुन चक्रवर्ती नजर आते। इस बात का खुलासा खुद उन्होंने अमिताभ बच्चन के सामने अपने इस इवेंट में किया है। बहरहाल मिथुन चक्रवर्ती अगर फिल्म अंधा कानून में होते तो फिल्म कैसी होती, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलना। Please subscribe.